हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। आज मैं आपको दिखाती हूँ हिबिस्कस का प्लांट, जो कि मेरा बादामी कलर का है। इसमें देखिए हर ब्रांचेस पर कलियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा इसका देखिए रिजल्ट है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, फ्री का उपाय है। ये देखिए हर ब्रांचेस पर देखिएगा बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसकी प्रूनिंग की हुई है, उसके बाद देखिए मैंने इसमें गोबर की खाद डाली हुई है। मैंने गांव से देखिए गोबर की खाद मंगा ली, जो कि बिल्कुल फ्री माफिक है। फर्टिलाइज़र आप लोग यूज़ करते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है और बहुत से लोग नहीं यूज़ कर पाते। तो देखिए आप गोबर की खाद को डालिएगा और 3 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं, हर ब्रांचेस पर कलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने किसी भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए हर 1-1.5 महीने बाद गोबर की खाद डालें, जिससे आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश में और अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब हमें फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए। ये टाइम ठीक होता है फर्टिलाइज़र के लिए, बिल्कुल बेस्ट टाइम है, क्योंकि बारिश के दिनों में तो खुद ही बारिश का पानी फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने नींबू में भी फर्टिलाइज़र दे रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और इस पर 3 नींबू भी आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक भी पत्ती नहीं है, गर्मी है, पत्तियां सारी झड़ गई हैं, लेकिन इस पर देखिए नींबू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।